तो फर्स्ट फिल हो गया मेरा, तो पिंडी से एक दोस्त बुलाया, तो चलते हैं उसको पिक करते हैं और बाद में करते हैं थोड़ा सा फन। साथ रहिएगा हमारे, भागना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक। तो 9 बजे में आया हूँ और क्या नाम है भैया आपका? तो आपका आशीष बाबा, तो बाकी अभी इनकी तरफ में आए हो, अभी हम चलते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ जाएंगे यार? हम जाएंगे, बताएंगे आप अगली वीडियो में, देखना ना फिर। ये आ गए जी हमारे जानदेव भाई और आसिफ भाई, ये तैयार होके आ गए हैं और अब हम क्या नाम है स्टेशन पे हैं इस टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं मुजफ्फरगढ़ स्टेशन पे, मैं मुल्तान से, मुझे स्पेशली लेने आए हैं, ठीक है भाई? तो मुल्तान से हम इधर आए हैं मुजफ्फरगढ़ से, ये ब्लॉग करते हैं। तो देवी भाई से पूछते हैं कि मैं आया हूँ पिंडी से इधर मुजफ्फरगढ़, जो मुल्तान के रास्ते में आता है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है यार आपको मेरे ब्लॉग में आके। भाई व्लॉग्स में आके हमने स्पेशली इनको पिंडी से बुलाया, काफ़ी दिनों से हम इनसे टाइम मांग रहे थे, तो हमको थोड़ा टाइम दे दें, लेकिन अब जहाँ जनाब फ्री हुए हैं तो हम इनको ले आए हैं पिंडी से। तो आइए आपको स्टेशन का विजिट कराते हैं। चलें विजिट भी करते हैं भाई को, क्यों ना टाइम दूँ। और दूसरी बात, टिकटॉकर्स वगैरह काफ़ी आए हुए थे यहाँ पे, फेमस भी हैं, आए आपको मिलवाते हैं उन टिकटॉकर्स से भी मिलवाते हैं आप। सो वेलकम बैक, आए हैं हम आपको इमरान भाई से मिलाते हैं, हमारे बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, इनकी भी आईडी आप विजिट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नाम दे दूंगा। तो ये भी हमारे मुजफ्फरगढ़ की शान है। ये दाढ़ी कहाँ से बनवाई है भाई? मुजफ्फरगढ़ से। लगे तो नहीं रही मेरे को, लेकिन माशाल्लाह बच्चा प्यारा है, अल्लाह इसको बीवी दे बच्चों के साथ। मेरा भी कितनी बड़ी बड़ी कटोर लगाया था पिछले साल, क्या बताऊँ, तो हमारे साथ आया, हमारे साल हमारे पास आया ना, पिछले बार तू गया था, मैंने सोचा कपड़ा वाकई हो गया था तेरे साथ, क्या अच्छा मरी गए थे। अच्छा फ्रैकी में, फ्रैकी में, फ्रैकी में बता, फ्रैकी में बता दो, कैसे कह रहे हो, फ्रैकी में बता दो, कुछ सही मरी गया से ऊँचे ऊँचे दरख्त है, चिट्टा चिट्टा पहाड़ है, बर्फ वाला रोड है, कहाँ तक बैठे हैं, मैं गया हाल पूछे आते केला की दीवते बांधर रख के केला की दीवते मैं आके दसे था गिदिया वा कोई दर्जन खान चाहिए वा खैर नेगेटिव नहीं लेना है ते बस वाल बांधर को छुटकारा किदो से माल रोड पे पहुंच गए, माल रोड पे गए सारी जेबे चाहिए हुआ था ते खैर माल रोड पे गए सारे बिना को पता है कि जड़ा माल रोड पे वेंदे जेबा खाली करके आते वो बहुत महंगा है, ठीक है? तो आइसक्रीम खाने वास्ते समझो अमीर बंदा होना चाहिए, बिल्कुल ते जेबा खाली खत्म कर, हैंड कर जेबा खाली थी गए, हैंड कर कपड़े के अंदर रोड था जेबा खाली थी गए, गद्दी में बैठ गए ऊंचे ऊंचे पहाड़न चिट्टा चिट्टा रोड कितनी तफर से घर आ गए। तो यार जी चवली मारी है ना इसने, चवली मारी है मुझे पता ही नहीं चला, सरकी में कहते हैं कि बस गंडी गए, हां जो माइंड में आया ना, हां वही बोलता गया, बोलता ही गया, समझ गया, मरी जाते मेरे जात के पल्ले लोग हैं क्या, तो समझ ना, तो कोई अच्छी फनी बात होगी क्या बात है, बस चलो खैर कोई नहीं, अच्छा बंदा है। तो अभी हम सॉन्ग की शूटिंग वगैरह करते हैं, वो भी मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और जानी यार इधर एक दरबार है सामने, मुझे जैसे कि दरबार है सामने, वो दिखाते हैं इनको, ठीक है? तो पीर पुराठे शाह उनको कहा जाता है, कि बड़ी प्यारी हिस्ट्री है उनकी, वो अगले व्लॉग्स में इनको बताएंगे ना उनकी हिस्ट्री, हम सही फिर देखते हैं, हाँ उनका भी व्लॉग लेते हैं, बताते हैं इनका दरबार का। तो लड़के काफ़ी आ रहे हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग वगैरह जो है वो भी बता दें आप ज़रा। हाँ जी फैन फॉलोइंग यार देखें, फैंस तो आ गए, फॉलो हम किसी को करते नहीं है क्या बात है। तो चलें बहरहाल आपका ये काफ़ी फेमस हो गया आपकी वजह से मुजफ्फरगढ़, ठीक है? पहले एक टाइम था कि कोई इधर नहीं जानता था इस चीज़ को, ठीक है? जानता था मुजफ्फरगढ़ का नाम, तक हम लाहौर में जाते थे ना तो पूछते थे कहाँ से आए हो, हम कहते थे मुजफ्फरगढ़ से, वो हरियाणा को पूछते थे यार ये क्या है, हालांकि इतना बड़ा जिला है मुजफ्फरगढ़ के, अगर मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री हम निकालने पे आ जाए बहुत ज्यादा बड़ा जिला है ये, मुल्तान से बड़ा जिला है ये, ऐसे ही है मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ बहुत बड़ा जिला है, लेकिन जानता कोई नहीं था, सोशल मीडिया में, ऐसे सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, लेकिन इंट्रोडक्शन दिया हमने मुजफ्फरगढ़, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर बच्चा मुजफ्फरगढ़ का टिकटॉकर हो रहा है। और वैसे खुशी की बात ये भी होती है टिकटॉकर पे, आप जहाँ भी देखो ना फेसबुक पेज पे, टिकटॉकर पे जहाँ भी देखो हमें सरैकी ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सरैकी मिलते हैं। अरे भाई एक बात कहना चाहूंगा ना, ठीक है ना, कि जितना टैलेंट पड़ा ना सरैकियों में, ठीक है ना, बस लेकिन ये कॉन्फिडेंस है उनमें बहुत ज़्यादा, शर्माते नहीं है। तो सो गाइज ये हमारे जेबी भाई के कुछ फैंस वगैरह आ गए थे, फ्रेंड वगैरह आ गए थे, तो हम इनसे मिलते हैं, इनका इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? अदनान बलोच। बल्कि आप बताओ यार जेबी ये कौन है? ये अदनान बलोच है भाई, मेरे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं, ठीक है ना,
कहने पे हो तो मतलब फैंस हम तो इनके हैं लेकिन ये कहते हैं कि हम आपके हैं। नहीं, हमें नहीं पता ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद ही पूछ लें इनसे क्या सोचते हैं जी। आप भाई, हम भाई के साथ वीडियो बना के खुश होते हैं, पहले फेमस हैं। अजीम बिरा सर, आप पिंडी तो स्पेशलिस्ट हकूम मुजफ्फरगढ़ मिलना है भाई जान। तेरी मई में आखना चाहता सरदार, तेरी दही दही है, तेरी हवा रबा है, बस तेरे बाद तालिबान, तेरे बाद कश्मीर है, तेरे बाद।